नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली क्राइम फाइल और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अगले आधे घंटे बात करेंगे पूर्वी दिल्ली में हो रहे क्राइम की। दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता था, मगर अब दिल्ली के लोगों की इंसानियत लगातार खत्म होती जा रही है। बदमाश लोगों को सड़क पर पीटते रहते हैं, सड़क हादसे में लोग सड़क पर तड़फते रहते हैं, मगर कोई बचाने नहीं आता। कोई सेल्फी लेने में लग जाता है तो कोई आंखें बंद करके चला जाता है। इस हफ्ते ऐसी ही दो वारदातें पूर्वी दिल्ली में सामने आई हैं। पहली वारदात जो है जगतपुरी की है, जहां एक महिला की बीच बाजार में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दिल्ली में दम तोड़ती इंसानियत। बीच सड़क में पीट पीट कर महिला की हत्या। किसी ने नहीं किया बचाने का प्रयास। प्रॉपर्टी लेन देन में महिला की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां कुछ युवक महिला की पिटाई करते रहे, पर किसी ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। ज्यादा पिटाई होने के कारण महिला की मौत हो गई। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। आप भी देख सकते हैं किस प्रकार एक युवक एक महिला को लाठी डंडों से पीट रहा है, और वो उसको उस वक्त तक पीटता है जब तक महिला की मौत नहीं हो जाती। हैरानी की बात तो ये है कि बीच सड़क में पूरी वारदात होती है और कोई बचाने नहीं आता। आप भी देखें तस्वीरों में कि आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई उनको बचाने की कोशिश नहीं करता। यहीं से पता चलता है कि दिल्ली की इंसानों की इंसानियत कितनी कम होती जा रही है। ये परसों कुछ जमीन को लेकर आपस में दो तीन भाइयों का आपस में विवाद है, ये तो उसको लेकर ये वारदात हो गई। यहाँ पर तो झगड़ा रहा, और झगड़ा जो बाहर आ गया सड़क पर, तो ज़मीन को लेकर ये विवाद रहा, कुछ मिलाकर कुछ इस तरह के। हाँ, जो देखा जा रहा है वो सच है एकदम, जो पब्लिक जो बता रही है, पब्लिक ने देखा, हमने देखा है। हत्या के पीछे संपत्ति विवाद को बताया जा रहा है। वह पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी बात है कि हम लोगों में से कोई था नहीं यहाँ पे, वरना इतनी बेदर्दी से जिस तरीके से उसे मारा गया है, मारने तो नहीं देते चाहे कुछ भी हो जाता। पुलिस भी बहुत देर से आई, पता नहीं क्या मिली भगत थी उसको, लड़की को भी बड़ी बेदर्दी से मारा। मैं तो यहाँ पे था नहीं, ये भी नहीं थे हम, कुछ जो मोहल्ले के अंदर हमेशा लड़के रहते हैं वो चांस की बात है, उस टाइम थे नहीं वहाँ पे। लेकिन मारा जिस तरीके से देखा नहीं जा रहा, जिस तरीके से लोगों ने वीडियो बनाई है, इसी तरीके से अगर बचा लेते तो शायद वो औरत मरती नहीं। अगर ये वीडियो बनाना छोड़ के लोगों को बचाना शुरू कर दें या पुलिस को कॉल कर दें सही टाइम पे, तो ये हादसा थोड़ी हो, कम से कम वो औरत तो बची जाती। क्या दिल्ली के लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, या फिर इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसको अपनी जिंदगी के सिवा किसी से मतलब नहीं। सीसीएन के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। अब एक और ऐसी खबर दिखाते हैं जो दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बढ़ चुके हैं वो दिखाती है। खबर शाहदरा से है, जहां घर के नजदीक एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग व्यापारी पुराने नोटों को बदलने का काम किया करता था और घर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उनको गोली मार दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाश बुजुर्ग को गोली मारकर भाग जाते हैं, मगर आसपास से लोग गुजर रहे थे वो ना तो उनको रोकते हैं और ना बुजुर्ग को बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी ये बेरहम दिल्ली की खास रिपोर्ट। घर के बाहर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। बुजुर्ग से करना चाहते थे लूटपाट। पुराने नोटों को बदलने का काम करता था बुजुर्ग। किसी ने नहीं की बुजुर्ग की मदद। सीसीटीवी में कैद हत्या की वारदात।
पूर्वी दिल्ली में अपराधों पे लगाम नहीं लग पा रही। शाहदरा में बदमाशों ने एक बुजुर्ग से लूटपाट करने का प्रयास किया और जब बुजुर्ग व्यापारी ने उसका विरोध किया तो उसको गोली मार दी गई। मगर हैरानी की बात है कि घटना को हुए कई दिन हो गए लेकिन पुलिस अब तक बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। सवाल तो इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और फिर भी बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। घटना पिछले रविवार की है जब एक बुजुर्ग कारोबारी घर से किसी काम के लिए जा रहा था तभी कुछ बदमाशों ने आकर उनसे पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। बुजुर्ग ने जब उसका विरोध किया तो बदमाशों ने ना आप देखा ना ताप देखा और बुजुर्ग को गोली मार दी। अंजाम दिया बदमाशों ने, वो जल्दी पकड़े जाए। पहले भी इनके साथ एक बार ये हादसा हो चुका है दिसंबर में, उसमें इनकी स्कूटी और उनका कैश लूट के ले गए थे, उसका भी आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया और आज तो इनकी जान ही ले लिया उन बदमाशों ने। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द ये करीब 7:45 बजे हाँ तो घर के पास ही बिल्कुल घर के बाहर वो पुलिस कस्टडी में ही है, तीन से ऊपर था शायद। बस कोई मतलब अब ये तो देखिए हम नहीं बता सकते क्योंकि अगर हमें पता हो तो फिर तो कुछ हो ही नहीं है। घर के बाहर घर के नीचे हो गया बोलिए, एक बार नहीं दो बार पहले घर के नीचे हो चुका सेम। एक चाचा को 2 महीने पहले भी एक गोली लगी है ऐसे ही, मतलब क्या करे आदमी, काम ना करे। बुजुर्ग को घायल हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आप भी तस्वीरों में देखें कि पूर्वी दिल्ली के बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। वो घर के बाहर भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते लेकिन इससे भी बड़ा सवाल इस बात का है कि जब वारदात हो रही है तो आसपास से लोग गुजर रहे हैं लेकिन कोई बुजुर्ग को बचाने का प्रयास नहीं करता और जब बदमाश भागते हैं तो कोई उनको भी पकड़ने का प्रयास नहीं करता। का अभी तक 3 आदमी पकड़े गए, चौथा अभी तक नहीं पकड़ा गया, तीसरा आदमी अभी 3-4 दिन पहले ही पकड़ा गया और 3-4 दिन उसके पकड़ने के 3-4 दिन के अंदर अंदर ये कांड हुआ है। दूसरा सेम वही पोजीशन है, उस टाइम उसने खाली मारपीट करके कट्टे की बटबट से मार के छोड़ दिया, अब की उसने गोली मार दी नकद। उस अभी तो फिलहाल उनके पास है, पुलिस वालों के पास है, पिछली बारी लूट हुई थी, इनको मारा था, स्कूटी छीन ली थी, स्कूटी में जो कैश था 3.5-4 लाख रुपए वो ले लिया था। मृतक के परिजनों का कहना है कि वो पुराने नोटों का काम करते थे और किसी को पैसा देने के लिए जा रहे थे तभी बदमाशों ने हमला कर दिया। परिवार ने पुलिस पे सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि घटना को घटे कई दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया। घर के नीचे जो आदमी अपने सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ होगा दिल्ली के अंदर। अरे रिसेंटली 16 दिसंबर का केस है जिसमें हमने कंप्लेंट कर रखी थी, उसमें 2 आदमी आए पकड़े गए थे, एक आदमी अभी 2-3 दिन पहले ही पकड़ा गया पर कुछ भी उनसे रिकवरी नहीं हुई, स्कूटी का पता नहीं चला क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा उसके क्या फीडबैक है। हाँ अभी कुछ पता नहीं चल रहा क्या उनसे रिकवरी नहीं हुई, उनसे क्या उन्होंने कबूल करा नहीं करा अभी तो कुछ नहीं बता रहा उनसे। बंदूक तो ऐसे जैसे कोई मजाक है, उसमें भी पिछले लाल की बंदाक थी, मेरे चाचा को भी लगी है पर 8 फरवरी को गोली, उनके पास भी बंदूक निकली, उन्होंने बंदूक मारी और चले गए छीन के और हमारे साथ तो 5-6 हादसा हो गया। अभी बचपन से यही काम है, 5 भाई हैं सब यही करते हैं लेकिन 3-4 बार पहले ऐसे लूटमार हो चुकी है, पुलिस केस भी हो चुके हैं, आज तक कोई भी एक्शन नहीं है, कुछ लोग पकड़े भी जा चुके हैं, कुछ रह गए हैं। दिल्ली में अगर बदमाशों को देख हम ऐसे ही आंखें बंद करते रहे तो मानो एक ना एक दिन हम भी बदमाशों का शिकार होंगे। सीसीएन के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। देश में हॉस्पिटलों के लापरवाही के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के जीटीवी हॉस्पिटल से सामने आया है
जहां इलाज के दौरान संदिग्ध हालत में एक लड़की की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि बच्ची को बुखार था और डॉक्टरों ने इलाज में पूरी तरह लापरवाही बरती और बच्ची की जान चली गई। जीटीवी पर लगा लापरवाही का आरोप, इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, गेट के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल जीटीवी पर फिर से लापरवाही के आरोप लगे हैं। हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के परिजनों का कहना है कि बेटी को बुखार था और इलाज के लिए वो उसको जीटीवी लेकर आए थे, मगर यहां डॉक्टरों ने इलाज में वो लापरवाही बरती कि बच्चे की जान चली गई। नाराज परिवार ने हॉस्पिटल के सामने शव को रखकर जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि वो लोग यूपी के रहने वाले हैं और बच्ची कई दिनों से बीमार चल रही थी, इसलिए बच्ची को जीटीवी हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर आए थे, मगर उनको क्या अंदाजा था कि जीटीवी में डॉक्टर इतनी लापरवाही बरतेंगे कि उनके हाथ से उनकी मासूम बच्ची चली जाएगी। जीटीवी अक्सर अपनी लापरवाही के लिए जाना जाता है, मगर देखना होगा कि लापरवाही कब तक इसी प्रकार जारी रहती है। सीसीएन के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। आपने ऐसे बदमाशों के बारे में जरूर सुना होगा जो वारदात करने के बाद दूसरे को गोली मार देते हैं, मगर आज हम ऐसे बदमाशों की खबर बताने जा रहे हैं जो पैसा वसूल करने के लिए खुद को ही गोली मारकर दूसरों पे आरोप लगा देते थे और पुलिस का डर दिखा पैसे वसूल किया करते थे। पुलिस की गिरफ्त में अनोखे बदमाश, शिकार फंसाने के लिए खुद को मार लेते थे गोली, पुलिस में शिकायत का डर दिखाकर करते थे पैसे की वसूली, कई शिकायतों के बाद हुई गिरफ्तारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी थाना में पुलिस ने तीन ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो पैसे के लेन देन के लिए अपने आप को गोली का शिकार बना लेते थे। आपको बता दें कि इनमें से एक आरोपी ने किसी के साथ पैसे के लेन देन में उसी इंसान को फंसाने के लिए अपने ऊपर गोली चलाई थी और इसने पुलिस में शिकायत दी कि किसी ने उसको गोली मार दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपों को झूठा पाया। भाई पुलिस ने अब मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। पंद्रह और 16 तारीख की रात को करीब 1 बजे जीटीबी हॉस्पिटल से हमें इत्तला आई कि एक व्यक्ति गनशॉट इंजरी के साथ वहाँ पे एडमिटेड है। जब हमारी पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुँची तो देखा कि रोहित नाम का एक व्यक्ति वहाँ पे 2 गनशॉट इंजरीज के साथ एडमिटेड था। इसे एक गोली हाथ में और एक गोली पाँव में लगी थी। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी की और मुकदमा दर्ज किया। रोहित के बयान पे एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें इसने अलेज किया कि 3 लोगों ने आके इसको गोली मारी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब हमने और तफ्तीश की तो हमें ये पता चला कि रोहित ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने आप को ये गोली अपने एक साथी से मरवाई और उसके बाद हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया। दौरान तफ्तीश हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें से गोली चलाने वाला एक सोनी, उसके अलावा इनका एक साथी गुलजार
और इनका एक और साथी विशाल, इनकी हमने गिरफ्तारी की है। उसने ही लगाया क्योंकि जेल में उसका एक लड़का बंदूक करके आया था, उससे वहीं लड़ाई हुई थी, इसलिए उसने इल्ज़ाम लगवाया है। बताया जा रहा है जेल से आपको फोन आया था कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उससे उसका साथ का विनोद पहलवान का एक साथी था, उससे हमारी जेल में लड़ाई हुई थी, उसकी वजह से इनने हमारे साथ ही करवाया। और पुलिस की माने तो तीनों अपराधी इतने शातिर थे कि वो अपने शिकार को फंसाने के लिए खुद को ही गोली मारकर शिकार पर गोली मारने का आरोप लगा देते थे। पुलिस को आरोपियों के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। वहीं पुलिस अधिकारी इस जांच में जुटे हैं कि इन लोगों ने कौन कौन सी वारदात को अंजाम दिया है। तो हमने आपको दिखाई उन अपराधियों की खबर जो शिकार को फंसाने के लिए खुद ही शिकार बन जाते थे। सीसीएन के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। दिल्ली में जहां बदमाश खुद को कानून के आगे समझ रहे हैं, वहीं पुलिस भी बदमाशों पर सिकंजा कसने में पीछे नहीं रहना चाहती। अब खबर ऐसे चोरों की जो पहले तो गाड़ी को चुरा लेते और फिर उसे हिस्सों में काटकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में बेच देते। पुलिस की गिरफ्त में शातिर बदमाश। बदमाशों से चोरी की 4 स्कूटी 6 बाइक बरामद। गाड़ी को काटकर बेचने का आरोप। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी अहम कामयाबी मिली जब पुलिस के हत्थे 4 वाहन चोर आरोपी लग गए। पुलिस अधिकारी की माने तो आरोपी स्कूटी और बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। यही नहीं, वो बाइक और स्कूटी को काटकर कबाड़ में भी बेच दिया करते थे। पुलिस को आरोपियों के पास से 4 स्कूटी 6 बाइक 12 कटी हुई गाड़ियां बरामद हुई हैं और साथ ही इन आरोपियों के पास से गाड़ी काटने का सामान भी बरामद हुआ है। पीएस गोकुलपुरी की क्रैक टीम ने एक ऑटो लिफ्टर्स के गैंग को पकड़ा है जिससे एक भारी मात्रा में चोरी की गई मोटरसाइकिल्स के कटे हुए पार्ट्स, नंबर प्लेट्स और औजार बरामद हुए हैं। इसमें हमने टोटल 5 ऑटो लिफ्टर्स को अभी पकड़ा है जिसमें से जाकिर, अरबाज, मोहम्मद मियां, साहिब आलम और जमीर हैं। इसमें से जाकिर जो हैं वो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है। हमें टोटल 10 टू व्हीलर्स बरामद हुए हैं जिसमें से 6 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी हैं। उसके अलावा 12 मोटरसाइकिल के अलग अलग पार्ट्स हमें मिले हैं और मोटरसाइकिल को काटने के लिए जो औजार हैं वो भी बरामद हुए हैं। ये कार्य 15 तारीख को शाम को जब गोकुलपुरी थाने की टीम पेट्रोलिंग पे थी तो उन्होंने ब्रिजपुरी पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल को इंटरसेप्ट किया जिसमें नंबर प्लेट नहीं था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनसे कोई जवाब नहीं मिलने पे, उनसे और पूछताछ करने पे उन्होंने ये रिवील किया कि वो मोटरसाइकिल चुराते थे और स्नैचिंग्स भी करते थे उन चोरी की मोटरसाइकिल से। दौराने तफ्तीश टोटल हमारे पास 22 टू व्हीलर्स और टू व्हीलर के पार्ट बरामद हुए हैं जिससे हमने 14 केसेस सॉल्व किए हैं और एक जिससे रॉबरी का मुकदमा भी उसका खुलासा हुआ। चोर बदमाश कितने भी होशियार क्यों ना हो जाएं, एक ना एक दिन कानून का हाथ उन लोगों तक पहुंच जाता है। सीसीएन के लिए अमन कुमार की रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। बदमाशों ने भजनपुरा इलाके में एक ज्वेलर्स की दुकान पे आए सप्लायर से पहले चांदी भरा बैग लूटा और फिर गन दिखाकर
सारी वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। वह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। दिन दहाड़े लूट की वारदात। ज्वेलर से लूटा चांदी से भरा बैग। लूट के बाद फरार हुए आरोपी। सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद। यह नजारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके के मेन मार्केट का, जहां पर एमके ज्वेलर्स की दुकान पे बदमाशों ने उस समय धावा बोल दिया जब ज्वेलर्स की दुकान पर गाजियाबाद से आए सप्लायर रघुविंदर ने दुकान मालिक को आभूषण दिखा रहा था। तभी अचानक से दो बदमाश हथियार लिए ज्वेलर्स की दुकान के अंदर घुस गए। सप्लायर इससे पहले कुछ समझ पाता, बदमाशों ने सप्लायर को हथियार दिखाया और पास में रखा चांदी से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। हमारे यहाँ एक सप्लायर आया हुआ था, सरदार जी हैं वो, और वो चांदी का माल दे रहे थे और इतने में दो बदमाश आए गन के उस पे और है ना थैला भरा चांदी का वो लेके चले गए और बाइक एक आई और बाइक पे बैठे, बाइक अपाची थी और वो उस पे बैठ के गए। 10 से 12 किलो के करीब है ना उस बैग में चांदी थी। ये भजनपुरा मेन मार्केट है, यहाँ तो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और जबकि है ना वो बिल्कुल यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे थाना है, उसके बावजूद भी ये है ना वारदात हुई है। सीसीटीवी में कैद साफ तौर पे वारदात में आप देख सकते हैं कि एक हाथ में पिस्टल लिए दो बदमाश ज्वेलर्स को किस तरीके से हथियार दिखा रहे हैं और ज्वेलर के पास ज्वेलरी से भरा बैग छीनकर ज्वेलर को दिखाते हुए वहां से भाग जाते हैं। हालांकि सप्लायर ने इसका विरोध किया तो इन बदमाशों ने सप्लायर को गोली मारने की धमकी दे डाली। गनीमत ये रही कि सप्लायर ने इन बदमाशों का पीछा नहीं किया, वरना ये बदमाश सप्लायर की जान ले सकते थे। कल हमारे पास करीब 2 बजे एक PCR कॉल आई कि एमके ज्वेलर्स है भजनपुरा में, वहाँ पे एक व्यक्ति आया जिसके पास करीब 4-4.5 किलो चांदी थी और वो चांदी वो अपने एम्प्लॉयर से मेरठ से लेके आया था और वो चांदी के जेवरात जो है अलग अलग दुकानों में दिखाने का काम करता था। उस व्यक्ति ने ये बताया कि जब वो ज्वेलरी की दुकान में पहुंचा तब 2 व्यक्ति पीछे से आए, उसमें से एक व्यक्ति ने उसका बैग छीनने की कोशिश की और बैग छीन लिया और रेजिस्ट करने पे उसको पिस्टल दिखाई। हमने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी तफ्तीश जारी है। इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बदमाश ज्वेलर की दुकान में घुसकर सप्लायर को हथियार दिखा रहे हैं और बाहर खड़ी अपाचे बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो जाते हैं। पूर्वी दिल्ली में घट रही ऐसी घटनाएं पूर्वी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करती हैं। CCN के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली क्राइम फाइल में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।